खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां पर जिले की पवई विधानसभा 58 से 36 समाज ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। छत्री समाज के गढ़ पवई क्षेत्र में छत्री समाज की चौथी मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले पर छत्री समाज के लोगों का कहना है कि हमें हमेशा उपेक्षित किया गया, कभी भी किसी पद के लिए हम आगे नहीं आए, हमने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया है जो हमारा छत्री धर्म है, लेकिन इस बार हम छत्रियों ने अपने स्वाभिमान की रक्षा एवं समाज में न्याय व्यवस्था उचित बनी रहे, क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले, अपराध में अंकुश लगे, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यह निर्णय लिया गया कि हमारे छत्री समाज में राजू राजा उमरी एवं विक्रम सिंह तिघरा छत्री समाज की तरफ से मनोनीत किया गया है। समाज के सभी लोगों से मदद करने का वादा किया गया है। वहीं अब इस निर्णय से छत्री समाज की बैठक से भाजपा और कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियों में भी हलचल तेज हो गई है। आज छत्री महापंचायत का चौथा आयोजन रहा, क्या किस प्रकार से आयोजन की शुरुआत हुई थी और अंत में किस मुकाम तक पहुंचे, क्या कहेंगे आप पूरे आयोजन के लिए? जे करीब 15 साल पहले से ये मुहिम छिड़ी हुई थी, जिसमें हम और हमारे सभी साथी जिन्होंने इसमें प्रयास किया, आज हमने जिस खेत को जोतकर उसको अच्छा बनाया और उसमें बाड़ लगा करके और आज फसल लहलहाने के कगार पर आ चुकी है। आज हमारे समाज के लोगों ने जे दो हमारे खेत के फल के रूप में राजा विक्रम सिंह और राजू राजा उमरी इन दोनों का चयन किया है, इसमें से हमारी समाज एक को चुनाव लड़ाएगी, लेकिन एक व्यक्ति डमी में फार्म भरेगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता ताकि किसी के ऊपर दबाव ना पड़े, इसलिए दो लोगों का चयन किया है। और अभी हो सकता है कि समाज एक दो डमी में और उतारेंगे और भगवान सिंह, तो वो वार्ड में निर्णय लिया जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा समस्त पवई विधानसभा के अन्य समाज के लोगों से कि जब से देश आजाद हुआ है हमारी समाज को आज तक कभी मौका नहीं मिला, हम आप अन्य सभी समाजों के लोगों के लिए विधायक और मंत्री बनाते आए हैं, आज हम सभी अन्य समाजों से भी निवेदन करना के हकदार हैं, क्योंकि हमने ना कभी किसी कभी सत्ता में रहे, ना हमने किसी समाज का शोषण किया, ना हमने किसी समाज को प्रताड़ित किया, आज हम भी अगर इतने समय से लंबे समय से आप लोगों को विधायक मंत्री बनाते रहे हैं तो उनसे हमारा भी करबद्ध प्रार्थना है और अधिकार भी है कि आज आप सभी समाज हमारे इन प्रत्याशियों की मदद करें और पवई विधानसभा में हमारे छत्री समाज का अगला विधायक हो, तो हम सभी समाजों के बहुत धन्यवाद, आप सभी समाज धन्यवाद। जी आज क्षत्रिय महापंचायत मतलब चौथा आयोजन था समाज का, क्या निर्णय लिए? आज हमारे सभी क्षत्रिय बंधु यहाँ पर एकत्र हुए और पिछली 3 मिनटों में जगह जगह पर हुई है। आज जो निर्णय लिया है दो प्रत्याशियों के लिए समाज, हमारी समाज ने निर्णय लिया है और राजू राजा है हमारे और हम नाम सभी क्षत्रिय समाज ने यहाँ मिलकर के आपको चयनित किया है प्रत्याशी के रूप में, तो आपके आने क्या रणनीति है और आपके आने क्या उद्देश्य है समाज के प्रति रहने का और काम करना? अब समाज के प्रति तो हमारे माने पुरखों से रही है, हमारे पिताजी हमारे बड़े दाऊ साहब और जितनी हमसे आज भी बनती रही है, अपन सर्व समाज के लिए काम करते रहे, एक क्षत्रिय समाज भर के लिए नहीं, मैं हर वर्ग के लोगों के लिए काम करता रहा और आज भी करता रहूंगा और सभी भेद कोई भेदभाव नहीं रखूंगा, जो छोटा है कि बड़ा है, यदि ईश्वर ने भोलेनाथ ने मौका दिया तो उसका निर्वाह करूंगा। आज समाज द्वारा आपको विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है, क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से रणनीति रहेगी, काम कैसा करेंगे आप समाज के? देखिए हमारी जो क्षत्रिय समाज है इसने पूरी पवई विधानसभा के लिए एक सेवक देने का आश्वासन दिया है। मेरी समाज ने पवई विधानसभा के मुझे बड़े भाई को मेरे एक दायित्व सौंपा है इस पवई विधानसभा की सेवा के लिए। अगर मेरी पवई विधानसभा की ईश्वर तुल्य जनता मेरी छत्ती समाज अगर
इस प्रकार का आशीर्वाद दे तो निश्चित रूप से मैं पवई विधानसभा की सेवा के लिए तत्पर हूँ। पवई पन्ना से सुरेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।